हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज मैं आपके लिए 2022 की टॉप इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेट वन लेकर आई हूं। दोस्तों, रिपोर्ट और जो इंडेक्स है ये करंट अफेयर का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है और आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडेक्स और रिपोर्ट से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस को हम डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 रिलीज बाई हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन टॉप पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर साइरस पूना वाला टॉप पे रहे हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी एंड सीईओ है। द रिपोर्ट लिस्ट टॉप थ्री हेल्थ इंडस्ट्री लिस्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे साइरस पूना वाला रहे हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी एंड सीईओ है, और सेकेंड पोजिशन पे कौन रहे हैं? थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एंड फैमिली रही है। थर्ड पोजीशन पे इसके अंदर ली जिटिंग और जू हैंग रहे हैं जो चीन के हैं, और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ हैप्पी कंट्रीज? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में जो भारत की स्थिति है ये क्या रहा है, भारत का स्थान? तो इसके अंदर जो इंडिया है ये 136वीं पोजीशन पे रहा है, और संयुक्त राष्ट्र के जो वार्षिक सूचकांक है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके अंदर जो फिनलैंड है ये लगातार 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है, और जो अफगानिस्तान है ये सबसे नाखुश देश माना जा रहा है। और इस सूचकांक के अंदर जो पाकिस्तान की स्थिति देखे तो इस सूचकांक के अंदर पाकिस्तान 121वें पायदान पे रहा है। भारत की बात करें तो ये 136वें स्थान पे रहा है। चलिए नेम ऑफ द टॉप थ्री कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड इसके अंदर सबसे हैप्पी जो कंट्री है ये बना है। सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क, थर्ड नंबर पे है आइसलैंड, और रिपोर्टर ईश्वर कौन है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये इशू की जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो भारत की स्थिति है इसके अंदर 83 पोजिशन पे रही है। ये जो इंडेक्स है इसकी स्थापना डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलिन के द्वारा, जो हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा की गई थी। और टॉप कंट्रीज की बात करें जो सबसे मजबूत जो पासवर्ड है, तो जो पासपोर्ट है जापान, सिंगापुर, जर्मनी एंड साउथ कोरिया का है, और लीस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है ये अफगानिस्तान का है, और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। फोर नंबर क्वेश्चन है, हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स 2022 रिलीज बाई फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति है ये एलन मस्क बन गए हैं। एलन मस्क टेस्ला और जो स्पेस एक्स है इसके फाउंडर है, और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और नेम ऑफ द टॉप थ्री पर्सन इन द लिस्ट की हम बात करें तो एलन मस्क फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, जेफ बेजोस इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, और बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रही है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। और भारत की बात करें तो टॉप टेन के अंदर जो भारत के मुकेश अंबानी है ये टॉप टेन पे रहे हैं, मतलब इनका जो स्थान है सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, तो ये टेंथ पोजीशन पे रहे हैं मुकेश अंबानी। फाइव नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 रिलीज बाई स्विस फर्म आईक्यू एयर इन द ईयर 2022। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है?
तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड कंट्री है ये बनी है बांग्लादेश, सी इसका करेक्ट आंसर है। और टॉप थ्री कंट्रीज की हम बात करें तो इसके अंदर बांग्लादेश फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है चाड और थर्ड पे है पाकिस्तान इसके अंदर है। वही इसके अंदर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान है ये पांचवा सबसे पॉल्यूटेड कंट्रीज के अंदर भारत रहा है। रिपोर्ट ऑथर कौन है, तो आईक्यू एयर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये गोल्डे स्विट्जरलैंड के अंदर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, विच सिटी हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूशन सिटी इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला जो शहर है ये कौन सा बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुरादाबाद इंडिया बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है, ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन वाली जो सिटी है ये बन गई है। चलिए नेम ऑफ वर्ल्ड्स टॉप थ्री सिटीज की बात करें तो ढाका इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है जो बांग्लादेश की कैपिटल है, और सेकंड पे रहा है मुरादाबाद इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है, और थर्ड पोजीशन पे जो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद ये थर्ड पोजीशन पे रही है। रिपोर्ट ऑथर कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की जाती है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक इन द ईयर 2022। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो भारत है इसके अंदर 51 पोजीशन पे रहा है। लिस्ट ऑफ टॉप थ्री कंट्रीज की हम बात करें तो इसके अंदर जो तुर्की है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, न्यूजीलैंड इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे है, और जो चेक रिपब्लिक है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे ही आया है। जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है इसके जो आधिकारिक आंकड़ों का जो उपयोग करके दुनिया भर में जो 56 देशों और क्षेत्रों में आवासीय मूल्यों में मूवमेंट को ये ट्रैक करती है ये इंडेक्स, तो इसके अंदर जो भारत की जो पोजीशन है भारत इसके अंदर 51 पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर, विच वुमन हैज टॉप्ड द हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट रिलीज बाय हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी विश्व 2022 रिपोर्ट में हुरुन सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं में किस महिला ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है वू यूजुन ने इसके अंदर ये टॉप पे रही है। ये लॉन्ग फोर की फाउंडर है। द नेम्स ऑफ द टॉप थ्री वुमन्स इन द लिस्ट की हम बात करें तो जो वू यूजुन है ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है, सेकंड पोजीशन में इसके अंदर फैन होंगवे रही है, और थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है, वांग लाइचुन रही है। रिपोर्ट ऑथर कौन है, तो हुरुन के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है और इसका 12th एडिशन इस बार था। वही भारतीय महिलाओं की हम बात करें, जो फाल्गुनी नायर है जो नायका की फाउंडर है, ये हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 में ये 10वें पायदान पे रही है, मतलब 10वीं पोजीशन पे ये रही है, मतलब ये टॉप 10 में रहने वाली एकमात्र जो महिला है ये बनी है फाल्गुनी नायर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप पे रही है, तो इसके अंदर जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की ये टॉप पे रही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो टॉप थ्री के अंदर जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है, सेकंड पोजीशन पे रही है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के अंदर है, थर्ड में रही है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कैनेडा के अंदर है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है और इस बार इसका 4th एडिशन था। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है इनका स्थान आया है टॉप 100 के अंदर। जो अमृता विश्वविद्यालय है, अमृता यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के अंदर जो है, ये इसके अंदर 41 पोजीशन के अंदर रही है। और जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो पंजाब के अंदर है, ये इस इंडेक्स के अंदर 74 पोजीशन पे रही है।
10 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई फोर्ब्स हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन इन द ईयर 2022। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के पांचवे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, पांचवे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं इंडिया के गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के ये चेयरमैन है। और टॉप थ्री रिचेस्ट पर्सन की हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था जो एलोन मस्क है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, जेफ बेजोस इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, और जो बर्नार्ड अर्नोल्ड है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे हैं, और जो इंडिया के गौतम अडानी है ये इस इंडेक्स के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट ऑथर है, रिपोर्ट इश्यूअर है, ये फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर रिलीज बाय वीडेम। वीडेम के द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन नेचर चेंज में भारत किस स्थान पे रहे हैं? तो जो ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर है इसके अंदर जो भारत है ये इसका 93 पोजीशन पे रहा है। और टॉप थ्री कंट्रीज की बात करें तो इसके अंदर जो स्वीडन है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पोजीशन पे है नॉर्वे। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्वीडन के अंदर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय सिप्री। सिप्री के द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा जो देश है ये टॉप पे रहे हैं? तो जो सऊदी अरबिया है और जो इंडिया है ये दोनों टॉप पे रहे हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेम ऑफ टॉप थ्री कंट्रीज की बात करें तो टॉप पे रहा है इंडिया और सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे जो है ये 11% जो हथियारों की बिक्री है ये इसके अंदर हिस्सेदार है। सेकंड पोजीशन पे है इजिप्ट, यहाँ पे 5.7% जो हथियार है ये आयात किए जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये थर्ड पोजीशन पे है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो सिप्री के द्वारा जो ये रिपोर्ट है ये जारी की गई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज इन द ईयर 2022 विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक ऑन जर्नलिस्ट। वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हुए हैं? तो ये हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो हमले हैं ये देखे गए हैं। और टॉप थ्री स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमले देखे गए हैं जर्नलिस्ट पे, और थर्ड पोजीशन पे आता है मध्य प्रदेश। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल व्हिच हैज बीन द बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, दुनिया का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉर्जिया के अंदर है, ये बन गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी सिप्री के द्वारा जारी की जाती है। तो इसके द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है थर्ड पोजीशन पे रहा है, जो सेना पे खर्चे के मामले में जो भारत है ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। द टॉप थ्री कंट्रीज इन द रिपोर्ट की बात करें तो जो यूएस है ये सबसे ज्यादा अपनी सेना पे खर्च करता है, $801 बिलियन ये मिलिट्री पे खर्च करता है।
सेकंड पे आता है चाइना, ये 293 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है। और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया, इंडिया 76.6 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में जो भारत है ये किस स्थान पे रहा है। तो जो भारत है, भारत की स्थिति है, इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे रहा है। तो इजीली जो बिजनेस है ये यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे ये रहा है। इजीली जो बिजनेस है वो दुबई के अंदर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे रहा है नीदरलैंड, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे स्वीडन रहा है और फोर्थ पोजीशन पे इंडिया रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय डव एंड फ्लब्स, हु हैज बिकम द सेलिब्रिटी विथ हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू इन इंडिया। डव एंड फ्लब्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो ब्रांड वैल्यू है ये विराट कोहली है, और विराट कोहली पांचवें साल भी इस जो इंडेक्स है इसके अंदर टॉप पे ये रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है, तो लिस्ट ऑफ टॉप 3 सेलिब्रिटीज की बात करें तो विराट कोहली इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, और रणवीर सिंह इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे है अक्षय कुमार। और हम भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी की बात करें तो इसके अंदर जो आलिया भट्ट है ये फोर्थ पोजीशन पे रही है। रिपोर्ट इश्यूअर है डफ एंड फ्लब्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट हुरुन ग्लोबल U14 सेल्फ मेड बिलियनियर 2022 रिलीज बाय हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट हुरुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो इसके अंदर जो भारत है ये फोर्थ पोजीशन पे रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेम ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन द रिपोर्ट की बात करें तो जो अमेरिका है इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। भारत के अंदर जो 6 सेल्फ मेड मिलेनियर्स है इसके साथ में ही भारत इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे रहा है। अमेरिका इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे 37 सेल्फ मेड बिलियनियर्स है, और चाइना इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे है, 25 सेल्फ मेड बिलियनियर्स यहाँ पे है। यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे है, 8 यहाँ पे सेल्फ मेड बिलियनियर्स है, और 6 सेल्फ मेड बिलियनियर्स के साथ में जो इंडिया है ये फोर्थ पोजीशन पे रहा है। और रिपोर्ट इश्योर कौन है, तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज इन फेब्रुअरी 2022 विच कंपनी हैज ओवरटेकन इंटेल एज वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैमसंग, इसके अंदर करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। टॉप 3 कंपनीज की हम बात करें तो सैमसंग इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पे रहा है इंटेल, और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर एसके हाइनेक्स जो कंपनी है ये रही है। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च इसके रिपोर्ट इश्यूअर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 रिलीज बाय लंदन एंड पार्टनर्स। लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेम ऑफ टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर जो यूएस है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे है, और जो चाइना है ये 14 बिलियंस के साथ में थर्ड पोजीशन पे रहा है। रिपोर्ट ऑथर कौन है, रिपोर्ट इश्यूअर है लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन इंग्लैंड के अंदर आपको मिलेगा।
21 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1 2022 रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पे रहा है? तो इसके अंदर जो गुजरात है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। और ये जो इंडेक्स है इसका जो मकसद है ये 6 मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंदर इसके अंदर रैंकिंग दी जाती है। जो 6 मानक है इसकी हम बात करें तो बिजली वितरण कंपनियों का जो प्रदर्शन है ये इसके अंदर आता है, ऊर्जा की पहुंच और जो वहनीयता है विश्वसनीयता है ये इसके अंदर आती है, स्वच्छ ऊर्जा पहल है, ऊर्जा दक्षता है, टिकाऊ पर्यावरण और जो नई पहले है नई स्कीम है ये इसके अंदर शामिल है। तो इन 6 मानकों को पूरा करते हुए जो टॉप पे रहा है ये गुजरात इसके अंदर टॉप पे रहा है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये सूचकांक ये जारी करते हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप पे रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है, ये इसके अंदर टॉप पे रही है। टॉप 3 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इन रैंकिंग की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड के अंदर है और थर्ड पोजीशन के अंदर 2 यूनिवर्सिटी रही है, एक तो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया के अंदर है और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड के अंदर है। और भारत की हम इसके अंदर बात करें तो जो भारत की आईआईटी है मुंबई वाली तो ये 65 नंबर पे रही है और जो आईआईटी दिल्ली है ये इस इंडेक्स के अंदर 72 पोजीशन पे रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज बाई कैस्टेलम एआई विच हैज बिकम द मोस्ट बैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधी देश कौन सा बन गया है? तो सबसे ज्यादा जो प्रतिबंध कहाँ पे लगाए गए हैं तो ये रशिया के अंदर है। क्यों लगाए गए हैं इसके बारे में हम बात करें तो कैस्टेलम एआई के द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस को 2778 जो नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है रूस बन गया है और रूस के खिलाफ अब जो टोटल जो प्रतिबंध हो गए हैं ये 5530 जो प्रतिबंध है ये टोटल हो गए हैं। तो रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और जो उत्तरी कोरिया है नॉर्थ कोरिया इसको भी पीछे छोड़ दिया है और फर्स्ट पोजिशन पे आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रतिबंध लगाया गया है 5530 जो प्रतिबंध है ये यहाँ पे लगे हुए हैं। रशिया इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है ईरान और थर्ड पोजीशन पे है सीरिया। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो ये जो रिपोर्ट है ये कैस्टेलम एआई के द्वारा जारी की जाती है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 Released by Swiss firm IQ Air in the year 2022, Swiss firm IQ Air द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो दुनिया की सबसे जो polluted capital है ये इंडिया की जो न्यू दिल्ली है ये बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। नेम्स ऑफ टॉप 3 polluted capitals की बात करें तो न्यू दिल्ली इसके अंदर जो इंडिया की कैपिटल है फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इसके बाद में बात करें बांग्लादेश की जो ढाका है ये सेकंड पोजीशन पे रही है और सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड कंट्री के अंदर बांग्लादेश आता है। और थर्ड नंबर पे कौन रहा है? तो थर्ड नंबर पे जो अंजमेना है चाड की जो कैपिटल है ये इसके अंदर रही है। और रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो IQ एयर के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये गोल्डेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय नाइट फ्रैंक व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो भारत है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लिस्ट ऑफ टॉप 3 कंट्रीज की बात करें
तो यूएस इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है, चाइना इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे है, और इंडिया इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है तो थर्ड पोजीशन पे है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है, तो नाइट फ्रैंक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन इसका हेडक्वार्टर है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है, मतलब टॉप थ्री जो आते हैं इंडेक्सेस के अंदर, ये तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये था आज का हमारा सेशन सेट वन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमने इस सेशन के अंदर जो 2022 के जो टॉप इंडेक्स और जो रिपोर्ट है अब तक जारी की गई है इसको लिया है। जल्दी ही मैं आपके सामने सेकंड जो सेट टू है ये लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए सेशन के साथ में। थैंक यू।